नमस्कार सलाम आला दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं द फेस ऑफ पालीमार। हम स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में हर्षित खमेसरा का। सर आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। हर्षित खमेसरा, इनका IIM अहमदाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयन हुआ है। आइए जानते हैं वहां तक पहुंचने का सफर कैसा रहा और बात करेंगे शिक्षा के कुछ मुद्दों पर। जी, मेरा बेसिकली नाम आपको पता ही है, जैसा कि मेरा नाम हर्षित खमेसरा है। पिताजी का नाम वीरेंद्र खमेसरा और माता अनीता खमेसरा है। पिताजी जो है मेरे, वो यहीं पर पाली के अंदर ही, पाली जिले में ही बिजली विभाग में सहायक लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं काफ़ी समय से, और हमें लगभग 13-14 साल हमें पाली में रहते हुए हो गए। माता जी का भी घर पे एक छोटा सा बिजनेस का भी रहता है, साथ ही साथ वो योग शिक्षिका भी हैं और अभी पतंजलि से उन्हें भी सम्मानित किया गया है। तो इसके साथ एक छोटी बहन है जिसने अभी साइकोलॉजी में MA कंप्लीट किया है जयपुर से। मेरी पूरी लगभग जो मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा है वो यहीं से रही है, एक तो सरस्वती विद्या मंदिर से, और बाकी 9-10 तो सरस्वती विद्या मंदिर से रहा, और 11-12 मैंने अपने MA उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है पाली में, वहीं से मैंने साइंस के अंदर कंप्लीट की अपनी 12th। उसके बाद में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी जोधपुर के MBA इंजीनियरिंग कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज था वहाँ से, और उसके उपरांत मैंने MBA जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक कहा जाता है, वहाँ से मैंने MBA किया फाइनेंस के अंदर। उसमें मेरे को गोल्ड मेडल भी मिला। तो वहाँ से कंप्लीट करके फिर मेरा वहाँ पे प्लेसमेंट जो हुआ था वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में हुआ, तो वहाँ पर मैंने एक साल काम किया। उसके उपरांत ICICI बैंक में एज अ फॉरेक्स मैनेजर के पद पर कार्यरत था। इसी बीच में फिर मैंने UGC नेट का एक एग्ज़ाम होता है देश का, प्रोफेसर्स के लिए और लेक्चररशिप के लिए एग्ज़ाम रहता है UGC नेट का, वो मैंने MBA 2017 जब था मेरा, तब उसके साथ में ही मेरा क्लियर हो गया था। उसमें मैं JRF था, टॉप 20 में इंडिया में रहा था। तो उसमें चयन होने के बाद मैंने IIM अहमदाबाद के अंदर वैकेंसी आई हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उस पर अभी मैंने जब रिटर्न एग्जाम हुआ और फिर इंटरव्यू हुआ और बाकी जो मेरा पूरा एकेडमिक्स था उसके बेसिस पे मेरा उस पर सिलेक्शन हुआ। हर्षित, IIM के बारे में बताएं। देखिए, IIM अहमदाबाद में मतलब एक्चुअली MBA का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट पूरे न केवल इंडिया का, वर्ल्ड लेवल पे 38 रैंक लगती है उसकी। टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स में से उसका नाम आता है प्रबंधन संस्थानों में, और उसमें भी MBA के लिए एडमिशन लेना बहुत डिफिकल्ट है। तो वहाँ पे मुझे पढ़ाने का मौका मिल रहा है, ये जान के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। और इसके साथ साथ उस माहौल में ढलना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं का हिस्सा होना, कार्यशालाओं का हिस्सा होना, तो मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात। क्या स्कूल समय में आपका पूरा ध्यान केवल पढ़ाई पर ही होता था? कि जब हम स्कूल में जाते थे तो पूरा जो मेरा पूरा टाइम होता था वो मैं स्कूल पे बहुत देता था, कि स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं, जो टीचर समझा रहे हैं, उस पर पूरा फोकस रहता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में, अन्य जितनी भी प्रतिस्पर्धाएं होती थी, चाहे वो डिबेटिंग रहा हो, चाहे ऐसे राइटिंग रहा हो, चाहे एक्सटेम्प्री रहा हो, और भी अदर जितने भी इवेंट्स रहे हों हमारे, तो योगा में भी जब सरस्वती में थे तो बहुत सारी चीज़ें, जितने भी उनकी प्रतियोगिताएं होती रहती थी, हम सब तरह की प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करते थे। और साथ ही घर पे आके बहुत आराम से रहते थे, मतलब मम्मी ये सोचती थी तो पढ़ता क्यों नहीं, मतलब घर पे तो बिल्कुल आराम से बैठे हैं। और स्कूल में बस ये था कि स्कूल पे जितना पढ़ाया उस पे फोकस किया, कोचिंग भी नहीं जाना होता था, तो समय भी प्रॉपर रहता था खुद के लिए। जब कमाने की उम्र हो तो पढ़ाई के साथ काम करते हुए क्या हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? जैसे मेरा, मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, मैं इंजीनियरिंग से लेकर MBA तक कंटिन्यू साथ में बच्चों को एजुकेशन के हिसाब से कोचिंग भी देता था, होम ट्यूशन देता था, इंस्टीट्यूट पे भी पढ़ाता था। तो एक कॉन्फिडेंस था कि उस टाइम पे मैं पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, और यही अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जितनी यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे भी यही कल्चर है, तो मैं उस तरह का हिस्सा बनता हूँ। तो आराम से मुझे भी कोई एक प्रेशर नहीं हुआ, मेंटल प्रेशर कभी फील नहीं होता था कि यार मेरी एजुकेशन चल रही है, मेरे पे पारिवारिक दायित्व भी है, कभी ऐसा लगा ही नहीं। परिवार से भी पूरा सपोर्ट था, सबसे बड़ी बात है परिवार का सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। मदर फादर ने और बाकी सिस्टर ने भी जिस तरह से सपोर्ट किया वो एक बेहतरीन था, मतलब मुझे कभी भी फैमिली प्रेशर कभी नहीं रहा। पिछले कुछ समय से लेकर अब तक विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्याओं के कई केस सामने आए हैं, इनके पीछे आपका क्या मानना है, क्या कारण हो सकते हैं? हाँ, बेसिकली सुसाइड के पीछे कारण दो तरीके से रह सकता है। एक तो बहुत ही फैमिली प्रेशर रहे कि जिस चीज का आपको इंटरेस्ट नहीं हो या आप जो चीज बनना नहीं चाहते हो आगे जाके, और वो चीज आपको घर से कराई जा रही हो, एक तो वो चीज कभी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज की खुद से भी प्रेशर लेना कि कंपटीशन इतना ज्यादा है, मेरे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं,
तो दूसरों को देखते हुए जिसको हम पीयर प्रेशर कहते हैं वो क्रिएट कर लेना। तो ये दोनों चीजों से हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए, ना फैमिली प्रेशर रहे ना पीयर प्रेशर रहे, जो चल रहा है शांति से चले और आराम से आप जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतने आपको एफर्ट मारने चाहिए हमेशा। क्या पढ़ाई के साथ दूसरे काम या खेलकूद पे ध्यान देने से पढ़ाई का कोई नुकसान होगा? ऐसा नहीं है, जैसे अगर आप पढ़ भी रहे हो सिर्फ पढ़ाई थोड़ी ना करनी है, पढ़ाई के अलावा आप बाहर दुनिया में क्या क्या चीजें हो रही हैं, आप भाई स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, एक्स्ट्रा करिकुलम में सिंगिंग डांसिंग चीजें हैं, तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करो, उससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है ज्यादा खुलेगा इस चीज में। जैसे कि अभी लैंग्वेजेस का भी है मेरे पास, जैसे मैंने जापानीज लैंग्वेज सीखी पूरी 2 ईयर्स तक, तो इंटरव्यू के टाइम में भी वो बहुत काम आई कि भाई इंटरव्यू में सबसे ज्यादा उस पर फोकस किया गया कि 15 मिनट तो मेरा जापानीज पे क्वेश्चन थे, तो अब वो एक एक्स्ट्रा करिकुलर। आप देखो मैंने सिर्फ पढ़ाई करी होती और अगर वो जापानीज नहीं आती तो उस पर कोई बात ही नहीं होती और वो एक एक्स्ट्रा जो फैक्टर होता है एक्स फैक्टर वो नहीं आ पाता सामने, तो वो वहां पे आया 2 साल की वो जापानीज भी काम आ गई और कभी नहीं सोचा था मैंने काम आएगी वो। बड़ी डिग्री के लिए क्या संपन्न परिवार से होना मायने रखता है? चाहे अपर क्लास हो चाहे लोअर क्लास हो चाहे किसी भी तरीके से किसी भी वर्ग से आप संबंधित हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि फैमिली प्रेशर नहीं रहे और साथ ही साथ पढ़ाई के साथ साथ अन्य चीजों पर भी ध्यान देंगे तो हर तरह के अवसर पे आप मतलब हर तरह की जो आपके टारगेट्स होते हैं वो आप पूरे कर सकते हो, चाहे वो IIM को अचीव करने का गोल हो चाहे IAS बनने का गोल हो। कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको कौन से, यूं तो ऐसे होता तो फिर गांव वाले तो जो ग्रामीण बच्चे हैं वो कभी भी मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते, कम सुविधाओं में और कम चीजें होते हुए भी वो इतना अच्छा कर रहे हैं आज के समय में, तो ये तो है ही नहीं, वो बात तो कहीं भी नहीं आएगी। हर्षित, अगर कमाने के लिए काम करते हैं और उसके साथ पढ़ना हो तो क्या हम पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे? आपकी बात सही है कि जब आप मतलब अर्निंग में हो रहे होते हैं और पूरा दिन आपका पूरा स्ट्रगल होता है 9 to 9 की जॉब चल रही हो और उसके साथ में पढ़ना और फिर एक अलग टारगेट को अचीव करने की बात करना, ऑफकोर्स डिफिकल्ट है, लेकिन फिर क्या होता है कि आप जो काम कर रहे होते हो ना उसमें आपको इतना मजा नहीं आ रहा होता है और आपको लगता है कि अभी भी जीवन में कुछ है जो रह गया है और जो मतलब एक्चुअली ये अचीव नहीं करना था, अभी जो चल रहा है ठीक है लेकिन मुझे सच में कुछ और अचीव करना है, तो वो एक अंदर से जो लालसा आनी चाहिए किसी चीज को पाने की वो निकलती है ना, तो अपने आप पढ़ाई के लिए मोटिवेशन मिल जाता है, तो आप घर आते हो फिर आप सोचते हो ना कि नहीं नहीं आज का दिन में मेरे 2 घंटे या 3 घंटे की मेरी आज की पढ़ाई नहीं हुई है जो मुझे वहां तक पहुंचाएगी मेरे लक्ष्य तक, तो वो अपने आप आपको मोटिवेट करती है। और साथ ही साथ आप ये भी सोचो कि नहीं उसको करने के लिए मुझे पढ़ना तो जरूरी है, ये एक जरूरी पार्ट है, बाकी जो जॉब चलनी चाहिए, तो आपकी प्रायोरिटी क्या है, जब आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती है और आपका लक्ष्य सब आपकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर होता है तो आप उसको जल्दी से अचीव करते हो। अपने भविष्य को लेकर दूसरों से सलाह लेनी चाहिए? अपने हिसाब से चलना चाहिए क्योंकि आपने अपने जीवन को सबसे ज्यादा देखा होता है, किसी और ने आपके जीवन को कैसे देखा होगा, हमारी ताकत पता होती है जी जी जी, स्ट्रेंथ वीकनेस आपको आपकी पता है ना, कि और आपको किससे सजेस्ट कर सकता है अच्छे लेवल पे। आप देश के कई विद्यालयों में पढ़ चुके हैं तो आप यहाँ के राजकीय महाविद्यालयों में क्या नया बदलाव देखना चाहेंगे? हमारे राजकीय महाविद्यालय में भी बहुत ही टैलेंटेड बच्चे आते हैं क्योंकि यहाँ पे भी कट ऑफ तो बहुत ही हाई जाती है, लेकिन अगर हम बात करें शिक्षण प्रणाली में या फिर यहाँ की सुविधाओं में अगर उसमें थोड़ा इजाफा किया जाए, जैसे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में क्या है कि बाहर के देशों के साथ के जो बच्चे हैं उनके साथ भी एक एक्सचेंज प्रोग्राम रहता है, तो बाहर से ही बच्चे आते हैं अपने यहाँ से ही बच्चे जाते हैं और नेशनल लेवल की बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अपने आप को प्रेजेंट करता है। इसके साथ ही वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज जो एक साथ, जैसे कि मैंने चाहे MBA किया लेकिन साथ में जापानीज भी शाम को क्लासेस चल रही है और इवनिंग क्लासेस में हम लोग नाटक मंडली होती थी उसका ही पार्टिसिपेट होते थे, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी ऐसा शुरू कर सकते हैं कि भाई आपकी दिन में जो क्लासेस चल रही हैं साथ में शाम को कुछ क्लब्स चलाएं, डिबेटिंग क्लब हो सकते हैं, कल्चरल क्लब हो सकते हैं, उन सबका जब सम्मिश्रण होगा तो बच्चों को एक कंप्लीट जो माहौल समावेश मिलना चाहिए वो कंप्लीट माहौल मिल जाएगा पढ़ाई के लिए साथ साथ अन्य गतिविधियों के लिए भी। देश हित में किस तरह योगदान देने का सोचते हैं? मैं शिक्षण व्यवस्था में कुछ सुधार ला सकूं तो उसकी कोशिश करूंगा कि एक सोसाइटी की तरफ भी मेरा एक कर्तव्य है, न केवल अपने परिवार और अपने से जुड़ा हूं मैं, सोसाइटी से और देश से भी जुड़ा हूं, तो देश को मैं कितना दे पा रहा हूं उसके लिए मैं कितने जितने भी कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं अपने लेवल पर वो हमेशा करने की कोशिश करूंगा। हर्षित, पाली शहर के बारे में आपके क्या विचार हैं? वैसे देखा जाए तो पाली में अपार संपदाएं मतलब अपार संभावना है हर चीज में ग्रोथ के लिए, चाहे अब कपड़ा नगरी अपन कहते हैं इसको, तो अगर हम टेक्सटाइल में भी अगर नया इनोवेशन लेके आए तो उसमें भी काफी कुछ यहाँ से हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक बहुत सारे एक्सपोर्टर्स भी हैं यहाँ पे। इसके साथ ही अगर हम खाने पीने की बात करें तो गुलाब हलवा जैसे हमारे यहाँ का फेमस है, हमारे यहाँ का टैलेंट बाहर कितना जा रहा है आज के समय में, कितने सारे बच्चे जो हैं अलग अलग मंच पर जाकर अपने मतलब अपना टैलेंट दिखा के पाली का नाम रोशन कर रहे हैं,
तो अगर हम यहाँ पर जो भी मतलब स्थानीय चीजों से जुड़े हुए हैं, जो भी अधिकारी हैं, अगर वो समय 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 के साथ में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, जैसे कि आपने भी मेरे को एक प्लेटफॉर्म दिया अभी, तो वैसे अगर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिलते रहे बच्चों को, चाहे वो बौद्धिक लेवल पर हो, चाहे वो व्यापारिक लेवल पर हो, या चाहे वो शैक्षणिक लेवल पर हो, अगर सब जगह पे प्लेटफॉर्म देते रहेंगे तो पाली भी बहुत जल्दी ही मतलब दूसरी सिटीज को कम्पीट करता हुआ मिलेगा हमें। जी बहुत अच्छा लगा जब आपने अपना अनुभव शेयर किया, अपने एक्सपीरियंस जो बताया आपने, तो पूरा पालीगर महसूस करता है और बहुत बधाई देता है, द फेस ऑफ पाली मारवाड़ ज्यादा बधाई देता है आपको। थैंक यू सो मच।